Assalamu alaikum, welcome to my kitchen. मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही delicious रेसिपी लेके आई हूँ. आज जो बनाने वाले हैं चोकोपाई, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, 4 से 5 इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हुए हम ये जबरदस्त चोकोपाई बनाएंगे. सबसे पहले हमें चाहिए मैरी बिस्किट्स. मैरी बिस्किट्स जो है यहाँ पे मैं इस तरीके से 2 पैकेट जो है वो यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे हम इस तरीके के कोई भी प्लेन बिस्किट जो है वो यूज कर सकते हैं. अब हम एक सॉस पैन में पानी उबाल लेंगे, इसके ऊपर एक हीट प्रूफ बोल रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे व्हाइट चॉकलेट 1/4 कप, और व्हाइट चॉकलेट को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे. व्हाइट चॉकलेट जो है ना, मेल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगी किस तरीके से हम इसको मेल्ट कर सकते हैं. तो देखिए, बी नीचे जो हमने सॉस पैन रखा उसमें गर्म पानी है, उसकी हीट हमारे बोल पर लगेगी जिसकी वजह से चॉकलेट जो है वो मेल्ट होगी. इसको हम इस तरीके से मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, लेकिन व्हाइट चॉकलेट जो है ना, इस तरह से मेल्ट होने के बजाय सॉलिड सी हो जाती है, चिपक जाती है आपस में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 to 2 teaspoon ऑयल, कोई ऐसा ऑयल जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो. और ऑयल ऐड करके जब हम चॉकलेट को मिक्स करेंगे ना, तो चॉकलेट बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाएगी और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी. ये जो व्हाइट चॉकलेट होता है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और मिल्की सा फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से चोकोपाई बहुत ही डिलिशियस लगेगा. तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार सी व्हाइट चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है, इसको हम निकालेंगे एक बोल में. ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये आ गई है. इतने अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना है. अब मैरी बिस्किट जो है वो इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे, और दरमियान में हम इसके ऐड करेंगे इस तरीके से व्हाइट चॉकलेट. ये रेसिपी आप जिस भी बच्चे के लिए बनाएंगे ना, उसे बहुत ही पसंद आएगा. अब साथ में यहाँ पे हम ऐड करेंगे दरमियान में थोड़े से इस तरीके से स्प्रिंकल्स, जो कि बहुत ही पसंद होते बच्चों को. इस तरीके का कुछ भी ना आपको मार्केट से नहीं मिलेगा, बहुत ही आसानी के साथ इसको असेंबल करके घर पे बना सकते हैं. अब हम इसको इस तरीके से दूसरे मैरी बिस्किट से कवर कर लेंगे. और इस तरीके से एक डिलीशियस से सैंडविच को कीजिए वो रेडी हो जाएगा. अब हम वापस से सॉस पैन में पानी गर्म करेंगे, इसके ऊपर बोल रखेंगे, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क चॉकलेट. साथ में यहाँ पे 2 teaspoon ऑयल ऐड करेंगे, और अब जस्ट हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे. बहुत ही आसानी के साथ मिल्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाती है. इस तरीके से डिलीशियस सी मिल्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है. इसको हम निकालेंगे एक बर्तन में. हमें इसको छोटे से बर्तन में निकालना है, ताकि ना जब हम चोकोपाई को कोट करें तो बहुत ही आसानी के साथ कोटिंग हो जाए. अगर बड़े बर्तन में निकालेंगे तो चॉकलेट थोड़ी सी लगेगी, जिसकी वजह से कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इसलिए छोटे से बर्तन में निकालना है. अब हम चोकोपाई को डिप करेंगे मिल्क में. इससे जो है ना, ये जो हार्ड बिस्किट है तो सॉफ्ट हो जाएगा और केक जैसा फीलिंग आएगी थोड़ी सी. दूध में सोक करने के बाद अब हम इसको ऐड करेंगे मेल्टेड मिल्क चॉकलेट में, और अच्छे से इसको कोट कर लेना है. इस तरह एक फोक की मदद से एक्स्ट्रा जो चॉकलेट होगी उसको हम हटा लेंगे. अच्छे से इस तरीके से देखिए प्रॉपर कोटिंग हो जाएगी इस पर. इस तरीके से कोट करके इसको हम रखते जाएंगे बटर पेपर पे. अब देखिए, हमने इसको चॉकलेट पे कोट कर लिया ना, अब हमें जस्ट इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चॉकलेट जो है वो क्रंची हो जाए. और तैयार है हमारा बहुत ही डिलिशियस से चोकोपाई. चॉकलेट इस पर अच्छे से देखिए सेट हो गई है. इस तरह बटर पेपर पे से आसानी से इसको हटा लेंगे. तो जी, तैयार है इजी डिलीशियस मज़ेदार से 3 ingredient चोकोपाई. बहुत ही यम्मी बनके रेडी होता है. अगर आपको इस मज़ेदार से चोकोपाई की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.